मोबाइल क्रांति आने के बाद बच्चों का आउटडोर गेम्स खेलना लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन आइडियल ट्यूटोरियल्स द्वारा किया गया आयोजन बच्चों के लिए अनुकरणीय है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए इस तरह के आयोजन किया जाना जरूरी है। ये बात भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने आइडियल ऑडिटोरियल्स द्वारा आयोजित इंडोर गेम्स कॉम्पिटिशन में कही है। आइडियल ट्यूटोरियल संस्था द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कैरम, चेस, लूडो, स्नैक लैडर, स्किपिंग कलर्स, कार्निवल जैसे गेम्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मोबाइल गेम से दूर ऐसे खेलों से जोड़ना था जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कार्यक्रम का आयोजक संजना राजदेव ने बताया कि वे आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेंगी। शिक्षाविद एवं पत्रकार प्रिंस गावा ने आइडियल ट्यूटोरियल के कार्यों को सराहते हुए अपने अनुभवों को साझा कर बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा, मोबाइल क्रांति आने के बाद बच्चों का आउटडोर गेम्स खेलना लगभग बंद सा हो गया है, लेकिन आइडियल ट्यूटोरियल्स द्वारा किया गया आयोजन बच्चों के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथि दुर्गेश केसवानी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें शतरंज के लिए भाव्या लोकवाणी, कैरम के लिए सार्थक, सांप सीढ़ी के लिए रजनी, स्किपिंग के लिए स्पर्श, रूबिक्स क्यूब्स के लिए अनुराग कुमार को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।